अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर हमने सिलेक्शन किया है, उसमें हमने आज निडिल कंट्रोल प्रोसीजर जो है या निडिल पॉलिसी जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होती है वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से निडिल टूटती है, तो क्या क्या काम किए जाते हैं। उसके दो डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर हैं। एक तो आपको निडिल टूटने के बाद निडिल मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, और अगर निडिल नहीं मिलती तो आपने क्या करना है। ये दो तरह के तरीक़ेकार हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर निडिल मिल जाएगी तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसने क्या करना है और किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग्स करनी है निडिल टूटने के बाद। अगर ऑपरेटर के पास निडिल टूटती है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो अगर निडिल टूटी तो ऑपरेटर क्या करेगा, आपका मशीन रोकेगा फौरन उसी तरफ, और रोकने के बाद मशीन से उठ के साइड में खड़ा हो जाएगा और कॉल करेगा अपने सुपरवाइजर को और उसको इशारे से बताएगा कि मेरी मशीन की निडिल टूट गई है। सुपरवाइजर जो भी करीब होगा उसका, वह वहाँ पर आएगा और आने के बाद मशीन को देखेगा और थोरली चेक कर लेगा ऊपर से कि अगर पार्ट पड़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर मैकेनिक को आवाज़ देगा और मैकेनिक को बुलाएगा। मैकेनिक अपने तमाम टूल बॉक्स के साथ मशीन पे आएगा और रिमेनिंग पार्ट जो है उसका, जो रह गया मशीन के अंदर, वो खोलेगा और खोलने के बाद रखेगा बाहर, उसको बॉक्स में डालेगा और ब्रोकन निडल का पार्ट सर्च करेगा। और अगर ब्रोकन निडल का पार्ट मिल जाता है तो वो भी निकालने के बाद मेटल रॉड से, जो आपकी मैग्नेटिक रॉड है, उससे सर्च आउट करेगा और सर्च करने के बाद उसे टेक आउट करेगा और उसमें ही जो रिमेनिंग पार्ट आपने बॉक्स से डाला था उसमें डाल के सुपरवाइजर के हैंड ओवर कर देगा। सुपरवाइजर स्लिप भरेगा कि जिस नंबर की निडिल थी वो नंबर स्लिप पर डालेगा और न्यू निडिल इशू कराने के लिए जो आपका निडिल रूम है या निडिल मैन के पास जाएगा और न्यू निडिल इशू करा के वापस लेके आ जाएगा। निडिल मैन पूरी स्लिप पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो देखने के बाद और वेरीफाई करने के बाद कि पार्ट्स पूरे हैं निडिल के, वो उसको नई निडिल इशू कर देगा। वो वापस निडिल लेके आएगा मशीन के ऊपर और मैकेनिक के हैंड ओवर करेगा। इसी तरीके से मैकेनिक निडिल लेने के बाद मशीन के अंदर फिक्स करेगा, फिक्सिंग करने के बाद मशीन को चला के देखेगा कि निडिल जो है सही तरीके से फिक्स हो गई है, और अपना ऑपरेशन दोबारा जो ऑपरेटर होगा वो स्टार्ट कर देगा और काम वैसे इसी तरीके से जिस तरीके से पहले चल रहा था स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा सेकंड तरीक़ेकार जो है या सेकंड प्रोसीजर जो है इसका, वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपने आपकी निडिल ब्रोक हुई, टूटी, टूटने के बाद ऑपरेटर इसी तरीके से साइड में खड़ा हुआ, साइड में खड़ा होने के बाद उसने सुपरवाइज़र को आवाज़ दी, सुपरवाइज़र आया और सुपरवाइज़र ने देखा, चेक की मशीन को, कोई पार्ट नज़र नहीं आया, फिर मैकेनिक को कॉल की, मैकेनिक आएगा और मैग्नेटिक रॉड के साथ पुराने के बाद रिमेनिंग पार्ट खोलेगा और सर्च आउट करेगा टूटे हुए पार्ट को, निडिल के पार्ट को ढूंढने के बाद मशीन के टैंक के अंदर पूरे अराउंडिंग सराउंडिंग के अंदर देखने के बाद, पायदान के बाद देखने के बाद, तमाम एरिया के अंदर देखने के बाद, अगर वो निडिल का पार्ट नहीं मिलता तो फिर वो कॉल करेगा निडिल मैन को। निडिल मैन हमारे पास आएगा मशीन, उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, स्पेसिफिक मशीन के ऊपर आने के बाद वो थोरोली चेक करेगा उस एरिया को दोबारा, और तकरीबन 3 मीटर के एरिया के अंदर जितनी चीज़ें सराउंडिंग के अंदर वो चीज़ें चेक करने के बाद, अगर कोई गारमेंट वहाँ मौजूद है तो गारमेंट को वहाँ से जितने भी गारमेंट मौजूद हैं, चाहे वो 50 हों, चाहे 40 हों या 60 हों, जितनी भी क्वान्टिटी मौजूद है सराउंडिंग के अंदर 3 मीटर के एरिया में, वो तमाम गारमेंट को उठाने के बाद उसे मेटल डिटेक्टर मशीन से गुजारने के लिए ले जाएगा फर्दर प्रोसीजर पूरा करने के लिए। फर्दर प्रोसीजर क्या है कि अगर पार्ट नहीं मिला है आपका तो फर्दर प्रोसीजर ये है कि 3 मीटर के एरिया में आपने गारमेंट जितने मौजूद हैं उठाने, और उठाने के बाद उसे मेटल डिटेक्टर मशीन अगर आपके पास मौजूद है स्टिचिंग के अंदर, तो स्टिचिंग में उसे हर गारमेंट को मेटल डिटेक्टर मशीन से आपने गुजारना है ताकि वो आपका ब्रोकन पार्ट जो है निडिल का जो नहीं मिल रहा था, मिसिंग है, वो मिल जाए। जब तमाम गारमेंट उस मेटल डिटेक्टर मशीन से गुजर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें वो पार्ट मौजूद है नहीं है। अगर पार्ट मौजूद नहीं है तो
वो गारमेंट जो है वापसी प्रोडक्शन के अंदर शामिल हो जाएंगे, और मिसिंग फ्रेगमेंट की एक रिपोर्ट बनेगी कि वो पार्ट हमारे पास, हमने ढूंढा है, सर्च आउट किया है, नहीं मिला। तो मिसिंग फ्रेगमेंट की रिपोर्ट बनने के बाद और मेटल डिटेक्टर की रिपोर्ट बनने के बाद वो आप उसको नई निडिल इशू कर दी जाएगी मिसिंग फ्रेगमेंट के फॉर्मेट के ऊपर, जो कि पर्टिकुलर उनके एरिया के इंचार्जेस और प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी हेड के साइन होने के बाद उसको नई निडिल इशू कर दी जाएगी। अगर उन उसके अंदर मेटल डिटेक्टर पास के दौरान अगर उन गारमेंट्स के अंदर से ब्रोकन पार्ट मिल जाता है तो ये और अच्छा हो जाता है कि पार्ट आपको मिल गया, तो फिर वही पहले वाला प्रोसीजर था वही अप्लाई हो जाएगा, वो पार्ट आपकी स्लिप में लग जाएगा, और स्लिप में लगने के बाद उसी तरीके से आपको नई निडिल इशू कर दी जाएगी। मिसिंग फ्रेगमेंट की रिपोर्ट बनने के बाद अगर पार्ट नहीं मिलता तो फिर उसी तरीके से वो मेटल डिटेक्टर की रिपोर्ट, मिसिंग फ्रेगमेंट की रिपोर्ट और स्लिप निडिल मैन के पास जाएगी, और निडिल मैन वो तमाम चीज़ें वेरीफाई करने के बाद। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब ये गारमेंट पास हो रहे होंगे तो निडिल मैन वहाँ मौजूद होगा गारमेंट के साथ और देख रहा होगा कि गारमेंट पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए। तो उसको पता चल ही जाएगा कि हाँ, इसमें ब्रोकन पार्ट नहीं मिला है निडिल का, तो इस तरीके से हम नई निडिल इशू करा सकते हैं। इस तरीके से हमारा निडिल का कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है कि निडिल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन दो फेजिस के अंदर होती है कि निडिल मिल गई, ब्रोकन पार्ट मिल जाए और ब्रोकन पार्ट नहीं मिले। तो ये दो इसके प्रोसीजर्स हैं, दो तरीकेकार हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन आपके ध्यान में हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसे और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।